खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। चाचौड़ा में महाशिवरात्रि का पावन पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। बागेश्वर धाम पर प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी विशाल मेले का आयोजन किया गया, जिसमें दूर दूर से आए श्रद्धालुओं ने भाग लिया। मंदिर पर सुबह से ही भक्तों का आना जाना लगा रहा। मंदिर परिसर में विशाल भंडारे भी लगाए गए। भंडारों में भक्तों ने प्रसादी ग्रहण की। इस मेले में नगर परिषद, राजस्व विभाग एवं सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस विभाग की बहुत ही सराहनीय व्यवस्था की गई। चला आ रहा था पर पहले पूर्व में एक दिन का लगता था मेला, और जब से हमारी परिषद बनी तब से हमने इसको 3 दिन का मेला कर दिया है। और इसके बाद यहाँ पर जो शासन द्वारा मेला शासकीय मेला घोषित करवा दिया गया है इसको, और साथ ही साथ यहाँ पर पुलिस के विभाग के द्वारा और राजस्व विभाग के द्वारा और SDM महोदय द्वारा जो सहयोग हमको प्रदान होता है उससे हमारा मेला जो है बहुत ही ऊंचाइयों को छू रहा है। और साथ साथ हमने इसमें सुरक्षा की दृष्टि से तो कार्य कर ही रहे हैं और स्वच्छता की दृष्टि से भी हम यहाँ पर कार्य देख रहे हैं। लगभग कितने समय से यहाँ मेले का आयोजन किया जा रहा है, कहाँ कहाँ से लोग कितनी संख्या में आते हैं? लगभग अभी तो 3 वर्षों से हो रहा है मेले का, तो भव्य पहले 1 दिन का लगता है। और क्या चाहेंगे आप शासन से कि यहाँ क्या विकास के अवसर है डेवलप किया जाए? नहीं, यहाँ पर क्या है कि थोड़ा समस्या ये है कि यहाँ बाउंड्री वाल की समस्या है, और शासन से यही अनुरोध करेंगे कि यहाँ बाउंड्री वाल अगर हो जाए और यहाँ पानी वगैरह की व्यवस्था अच्छे तरीके से हो जाए। रहने के लिए हमने सामुदायिक भवन बना दिया है और पेड़ पौधे लग जाए, उसके अनुसार क्या है कि लोगों का रुझान यहाँ पर बढ़े, यही अपेक्षा। खबर समय जगत के लिए चाचौड़ा से योगेश सक्सेना की रिपोर्ट। इस प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए खबर समय।